दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। अवैध खनन से तत्वानी पंचायत को बाढ़ का खतरा। बग्गी धनोटू सड़क पर एक एक फुट गहरे गड्ढे दे रहे हादसों को न्योता। मंडी के पात्र लोगों में 70% आबादी को लगा कोरोना का टीका। मंडी में हिमाचल निर्माता को श्रद्धांजलि, सोलन में सजा रक्तदान शिविर। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भयंकर बनी बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी मद्देनजर शाहपुर क्षेत्र के तत्वानी पंचायत प्रधान के नेतृत्व में आज लोगों ने डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि खोली खड्ड में अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके कारण उनके गांव को खतरा बना हुआ है। पेयजल योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, सड़कें और पुलों को भी लगातार खतरा बना हुआ है। जिस तरह से पहले भी भयानक जलजला आ चुका है, तो उसी तरह आगामी समय के लिए भी डर बना हुआ है। उन्होंने डीसी से मांग उठाई है कि इस समस्या को लेकर जल्द से जल्द उचित कार्यवाही की जाए। चाय तत्वानी मधुबाला, हमारी समस्या है हमारी खोली खड्ड में लगा हुआ क्रेशर, और हमारी खोली खड्ड में जो क्रेशर लगा हुआ है उसकी समस्या हमारे पूरे गाँव वासियों को है, हमारी पूरी तत्वानी पंचायत को है। आज कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हम कुछ लोग यहाँ जिलाधीश महोदय से मिलने आए थे, उनके समक्ष हमने अपनी समस्याएं रखी। अगर कोरोना काल नहीं होता तो शायद हमारा पूरा गांव, पूरी पंचायत के लोग ही यहां आ जाते, लेकिन हमारे कुछ ही लोग यहां पे आए हैं और हमने जिलाधीश के सामने अपनी समस्याओं को रखा है और जिलाधीश महोदय ने हमारी समस्याओं का समाधान करने का शीघ्र ही आश्वासन दिया है। सुंदरनगर उपमंडल धनोटू बग्गी बीएसएल मार्ग पर एक एक फुट गहरे गड्ढे होने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह मुख्य सड़क मार्ग बहुत अधिक व्यस्त रहता है। इस तरह के गड्ढे दो पहिया चालकों को दुर्घटनाग्रस्त कर सीधा खुली नहर में धकेल सकते हैं। श्री राम हनुमान सेवा समिति महादेव के युवा सचिव व समाज सेवी चमन ठाकुर ने बीबीएमबी प्रशासन व सरकार से मांग की है कि सड़क को पक्का नहीं करना है तो कम से कम इन गड्ढों को गिट्टी या सीमेंट से भरवा दिया जाए। उधर मुख्य अभियंता बीएसएल परियोजना का कहना है कि जल्द सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी। भी पास कर दिए हैं और इसको कॉन्ट्रैक्टर को हमने परमिशन दे दी है कि वो काम शुरू करे, परंतु तेज बारिशें हो रही हैं, इस वजह से अभी वो काम कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा शुरू नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अनुचित हो जाएगा, टेक्निकली वो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हमने फौरी तौर पर एक इंतजाम कर दिया है कि उसके अंदर जो गड्ढे हैं वो हम अपनी मक से भर देंगे। हमारे पास हमारे अपनी खुद की मक अवेलेबल है, उसको उससे भर दिया जाएगा, जिससे कि हम 15, 20 या 25 दिन किसी तरीके से निकाल सके। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को हमने दे दिया है टेंडर, वो अकॉर्डिंगली उसको टेक्निकली जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से उसको बिल्कुल तैयार करते हैं और शानदार बनाते हैं सड़क और झील के लिए। सर, उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने कहा कि मंडी जिला में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत लक्षित जनसंख्या समूह में 70% आबादी का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिला में कोविड टीकाकरण के लिए 8 लाख के करीब लक्षित आबादी है, इनमें से लगभग 5,60,000 लोगों को कोरोना रोधी टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं इनमें से 2,05,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। उपायुक्त कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जिला पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए कि वे कोविड टीकाकरण केंद्रों पर लोगों के पंजीकरण में स्वास्थ्य विभाग की मदद के लिए ग्राम सेवकों और पंचायत सचिवों को लेकर आज ही निर्देश जारी करें। आज जो है जिला मंडी में कोविड वैक्सीनेशन की स्टेटस के ऊपर टास्क फोर्स की मीटिंग गठित करी गई थी, मतलब मीटिंग यहाँ पर हुई है। इसके अंदर जो देखा गया, हमारी टारगेट पॉपुलेशन का करीब करीब अचीवमेंट हमारा 70% तक पहुँच गया है। और आंकड़ों की बात करें तो 5,60,000 के आसपास जो हैं आपके फर्स्ट डोज वैक्सीनेट हो चुके हैं। अलग अलग कैटेगरी के लोगों को जोड़ के बता रहे हैं, इसके अंदर फ्रंटलाइन वर्कर हो गए 18 से लेकर 44 तक के हो गए हैं, 45 से लेकर 59 के हो गए हैं, और 60+ की डोजेज मिलाकर फर्स्ट डोज लेने वाले लोगों की संख्या करीब करीब जो है 5,60,000 है। और 2,05,000 के आसपास इनमें से लोगों ने सेकेंड डोज भी ले ली है।
तो और टारगेट पॉपुलेशन हमारी करीब करीब 8 लाख के आसपास है, और जैसे जैसे हमारी वैक्सीन्स की सप्लाई लाइन्स सप्लाई आती जाती है वैसे वैसे हमारे शेड्यूल्स किए जा रहे हैं और वैक्सीनेशन करी जा रही है। दूसरा, लोगों से अपील है, मंडी में थोड़े थोड़े ये संक्रमण के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं कोविड के, हालांकि घबराने वाली बात नहीं है कि अब की बार की सीवियरिटी देख के लग रहा है कि लो है, परंतु फिर भी लोगों से यही मेरा जो है अनुरोध रहेगा कि घरों से ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें तो फिर आपको जो है मास्क लगा के निकलें, टाइम समय समय पर अपने हाथ धोते रहें या फिर सैनिटाइजर का प्रयोग कर कर जो है अपने हाथों को स्वच्छ रखें। और पर 100 बातों की एक बात यही है कि ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकला जाए और अनावश्यक तरीके से भीड़ में जाकर या घुसने का प्रयास न किया जाए। हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार की जयंती पर मंडी व सोलन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले मंडी कांग्रेस ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री चेतराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार भारत के राजनेता और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वह हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और उन्हें हिमाचल निर्माता के नाम से जाना जाता है। आज का जो दिन है हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और इसलिए कि हिमाचल के निर्माता हिमाचल को बनाने के लिए जिस शख्सियत का योगदान रहा है डॉक्टर वाईएस परमार जी का, उनका जो जन्मदिन है 4 अगस्त 1906 को पछाद क्षेत्र के चरालग में हुआ है, और इनके फादर शिवानंद भंडारी माता लक्ष्मी देवी जी के घर में ये पैदा हुए, और इनकी जो मृत्यु है, इनकी जो स्वर्गवास है 1/5/1981 में हुआ, और 1948 में डॉक्टर वाईएस परमार पहली दफ़ा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में मनोनीत हुए, और 1952 में पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में बने और 1963 तक मुख्यमंत्री रहे। 1 नवंबर 1966 को ये पहाड़ी इलाकों को मिलाकर के पूरा हिमाचल प्रदेश बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, और 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। वहीं सिरमौर कल्याण मंच सोलन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गौर रहे कि सिरमौर कल्याण मंच द्वारा पिछले 2 दशक से डॉक्टर परमार जयंती पर रक्तदान शिविर सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। डॉक्टर वाईएस परमार जयंती 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में सिरमौर कल्याण मंच हर वर्ष की भांति इस बार भी अपना 20वां कैंप ठोडो ग्राउंड परिसर में लगा रहा है। हम पिछले 20 सालों से ये कैंप आयोजित करते जा रहे हैं और हर बार हम लगभग 40 से 50 लोगों का मिनिमम जो हमारा यहाँ ब्लड बैंक की जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उतना हम ब्लड डोनेट करवाते हैं, और अभी तक हमने इसमें लगभग 20 लोग अभी डोनेट कर चुके हैं और 20-25 लोग अभी और आएंगे। अभी तो 20 यूनिट के आसपास हम कर चुके हैं और अंडर प्रोसेस है, 2 बजे तक चलता रहेगा।